ये आपको रंगने के लिए आई है, ये देखो मिलो। अनु सर, मैं तो इसे अच्छे से जानता हूँ। जनम जनम की दोस्ती है। तू कैसी है रे? तो आप एसएमडी की बात कर रहे थे? मैं इनकी बात कर रहा था। अपना विजिटिंग कार्ड दिखाइए ना, मैं आपको बता दूँ। बस 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 बस, अगर खुद की तारीफ करोगे तो मैं तस्वीर नहीं बनाने वाली। ये रखो अपना कार्ड। अरे बाप रे, 10 लाख की बात है अनु, एक बार तस्वीर बना दो फिर यही तुम्हें पहला इनाम देंगे। हाँ बनानी ही पड़ेगी, मजबूरी है। ओके, शाम को मुझे एकदम सही वक्त पर मिलना, देर करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। बहुत बढ़िया भैया, सुनो जब ये शाम को आएंगे ना तो इनकी ऐसी तस्वीर बनाना कि ये चेक बुक में 10 करोड़ लिख दे। पिछले 4 साल से कॉलेज के अकाउंट में 125 रुपए पड़ा हुआ है। ओके सुनो, अच्छे कपड़े पहन के आना। हाँ थैंक यू बेटी, बड़ी प्यारी लड़की है। हो गया काम। बहुत शुक्रिया सर, मेरी इतनी मदद करने के लिए। मदद तो आप करेंगे हमारी, वरना इस अकड़ू को मनाने में मेरे पैर कब्र में चले जाते और मैं आसमान पर। देखना इसका घमंड मैं जल्दी तोड़ के रहूंगा सर। तो शुरू करें। तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है। मेरी शक्ल क्यों देखनी, आंखों में देखो सिर्फ। ओके, आंखें तो मृग नैनी जैसी हैं, दिल करता है इन्हें देखता ही रहूं। आंखों को छोड़ो, सिर्फ नाक को देखो। उफ, ये इसकी नकचढ़ी अदाएं, ऊपर से गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहता है। वैसे तुम्हारे ये होंठ गुलाब की कली की तरह नाजुक है, मैं उन्हें ही देखता हूँ। सर फोकस को नहीं हिलाने का, वरना आप आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। क्रिकेटर हो या पेंटर, फोकस बहुत जरूरी होता है। सही कहा ना? अब मैम साहब खा लीजिए ना। अभी तो एक ही लाइन खींची है, इतनी जल्दी भूख भी लगी। चारी देखो कितनी दुबली हो गई है, तुम खाओ ना अनु, बिंदास खाओ। वाह, अरे आपके आंखों की तस्वीर क्या खींची है। अरे ये मैडम पेंटर नहीं, लियोनार्डो दी विंची है। क्या बात कर रहा है? हेलो, अरे सर फोन तो मेरा बज रहा है। पर कनेक्शन मेरे कान में आया। हाँ अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अनु एक जरूरी काम आ गया है, तुम ये सब कुछ लेकर शाम को घर पे ही आ जाओ ना। व्हाट? चारी इसे घर का एड्रेस और खर्चा पानी के लिए थोड़ा पैसा दे देना। ओके हाँ, बस बता ही रहा हूँ। अरे अचानक ये भाव क्यों खाने लगे? अरे अभी तक तो सिर्फ आंखें बनाई थी, आप भाग क्यों गए? एक ही दिन में अगर सारी पेंटिंग बन गई तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना, इसलिए सोचा कि रोजाना 10-10 मिनट की पेंटिंग बने, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर हो। बॉस यू आर जीनियस, अपने प्यार की गाड़ी में थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालकर आगे बढ़ाना चाहते हो। वेरी गुड, फोन ऑफ कर दूं? चारे आई लव यू टू सर। अच्छा बनाए, जाओ। क्या हुआ अनु, तस्वीर पूरी कर दी? सर मैं पूरी तस्वीर आधे घंटे में बना के तैयार कर देती हूँ, पर वो शहजादा बीच में ही उठ के चला गया और मुझसे कहता है शाम को घर आके तस्वीर बनाओ। अरे रे रे, अब क्या करूँ मैं? हाँ अरे बड़ा आदमी है, जरूरी काम आ गया होगा, कहो तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी तो उसने भी मांगी थी। अच्छा? पर मेरी इंसल्ट का क्या? इतनी छोटी चीजें दिल पर लोगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ पेंटिंग बनाते वक्त मैंने तुम्हारी तस्वीर खींचकर कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दी और हजारों लोगों ने उस पर लाइक्स और कमेंट्स किए हैं। अब तो अपना पूरा का पूरा देश अपने सारे काम धाम छोड़कर पेंटिंग देखने के लिए बेकरार है। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया सर? अब जो हो गया उसे भूल जाओ ना अनु, अब जल्दी से उसकी रंगीन पेंटिंग बनाओ और उसे तोहफे में दे दो। हैं? मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। मेरे कान बह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, बजा रहा हूँ। ओके बाय बाय। जल्दी करना। नाइस। सुनिए भाई साहब, मैम साहब आपको बुला रही हैं। अरे हाय अनु। हाय भाई, छोड़ो सामने आके बैठो, तस्वीर पूरी करनी है मुझे। मेरी टी शर्ट पसीने से पूरी गीली हो गई है और वैसे भी अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या? बाकी के पेंटिंग कल सुबह करते हैं ना। ओके चलो बाय। अपनी पेंटिंग बाद में पूरी कर देना, अब चलते हैं। गुड मॉर्निंग अनु, ऐसा लगता है तुम लोग नहा ही नहीं हो क्योंकि बहुत गंदी बदबू आ रही है। अब जल्दी से किसी तालाब में डुबकी लगाओ और अच्छे से नहा धो के बाहर आना, वरना तुम्हारी पेंटिंग आज भी पूरी नहीं होगी। और हाँ ब्रश बहुत अच्छे से करना क्योंकि उससे तुम्हारे दांत भी साफ हो जाएंगे और चमकेंगे भी अच्छे से, और नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम ब्रश करें या ना करें लोगों को क्या पता चलने वाला है? मुझे तो पता चलेगा ना। अनु ये जो तुम्हारी सारी दोस्त है ना, सब के सब डफर है। ठीक है आता हूँ मैं। सर अगर पेंटिंग खराब बनी तो पेपर में गुमशुदा के पेज पे छपा दूंगा। आपने मेरी मैम साहब को समझा क्या है? एक बार किसी काम को हाथ लगाती है ना तो उसे खत्म करके ही दम लेती है। तू छाता ही ठीक से पकड़ ले, बहुत है। सर आपके लिए प्यार उसके पेंसिल से निकल रहा है। हो गई, कंप्लीट हो गई है, आगे देख लो और जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। ये लीजिए।
अरे वाह रे वाह, क्या तस्वीर बनाई है मैम साहब, इसके लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। पन्ना उठने वाला है सर। चारी, मैं अपना रिजल्ट देखने के लिए भी इतना बेताब नहीं हुआ था जितना बेताब आज मैं ये पोर्ट्रेट देखने के लिए हो रहा हूँ। रेडी, एक दो और तीन। ये कद्दू वाली शक्ल का कौन है? पता नहीं चल रहा है, मैं ही तो हूँ। अब तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं क्या करूँ, जो बन गया वो बन गया। अब तो इसे गुमशुदा के पेज पर ही छपवाना होगा। क्या हुआ, तस्वीर कैसी लगी? इतनी लाजवाब है, इतनी लाजवाब है कि मेरे मुंह से ये अल्फाज ही नहीं निकल पा रहे हैं कि फोटो वाला अच्छा है कि सामने वाला अच्छा है। एक एमएफ हुसैन थे जो घोड़ों की तस्वीर बनाया करते थे, आज जाके कोई उनके टक्कर का मिला। ऐसी लाजवाब तस्वीर तो यही मोहतरमा मुकम्मल कर सकती है। बस काला टीका लगा दे, नजर लग गई तो जल जाएगी। तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? खुशी से बॉस के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहा है ना बॉस। अपनी तारीफ कैसे करूं, तस्वीर में तो मैं और ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ। सच में मैं इतना खूबसूरत हूँ अनु? पेंटिंग में कोई गलती है क्या? अरे गलती हम इंसानों से होती है, अप्सराओं से थोड़ी। अरे उस कोयल को बोलो कि यहाँ से जाए, तब से चोंच मारे जा रही है। वैसे इसमें एक छोटी सी गलती हुई है। क्या कहा? मेरे काम में तुम्हें गलती दिख रही है? चलो बताओ मुझे कहाँ गलती की है, दिखाओ मुझे। बात यह है कि इस पेंटिंग में तुमने जो मेरे बाल बनाए हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही घने बना दिए हैं। हाँ, लेकिन बॉडी के सारे टिश्यूज एकदम करेक्ट जगह पर लगे हैं। अनु, ये दोनों की कुछ मिली भगत लग रही है। पेंटिंग खराब है, खुद की शक्ल देखिए कभी आईने में। क्या मैडम, आपकी ये दोस्त हर समय गलत डायलॉग बोलती रहती है, कब क्या बोलना है पता ही नहीं। अनु, वैसे तुम इतना बुरा मत मानो। हाँ, उससे अच्छा हम किसी को यहाँ बुला कर ही पूछ लेते हैं। हाँ, एक मिनट, कोई ना कोई आ जाएगा। अरे भाई साहब, जरा यहाँ पर आओगे प्लीज। अबे दिल के लिए बोलना कि ये तू ही है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा जुड़वा भाई है। अबे दुनिया में हर गुंडे वाली शक्ल वाला आदमी तेरा भाई नहीं हो सकता। तो क्या मैं दे दूँ उसको तेरी सुपारी? मेरी सुपारी? तुझे लगता है ये थूका हुआ पान मुझे मारेगा? ऐसी भद्दी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। किसी बच्चे को ऐसी शक्ल दिखा दी ना तो सात जन्म तक टाइम पे डर के खाएगा। ए, कुछ भी मत बोल। अरे इससे अच्छी शक्ल तो एक बंदर चल चुका। ज्यादा मत बोल, मैंने जो भी कहा है सच कहा है सर। सॉरी दीदी, मैं अपने भाई की तस्वीर लेके जाऊंगा। ए, चल निकल यहां से। तेरे को कला की कद्र कैसे करते कुछ पता भी है क्या? इतनी अच्छी नकाशी पहचानने के लिए किस लंगूर को बुला लिया? अरे चल निकल यहाँ से। अनु, तुमने अच्छा काम किया है। हेलो, हाँ भैया मैं आ रहा हूँ। निकल यहाँ से। अनु, इस लंगूर को छोड़ो, हम किसी जानकार को बुलाते हैं। बस बहुत हुआ। तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरे काम पर उंगली उठाने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए उस जाहिल गवार लंगूर को बुलाया, तुम खुद को समझते क्या हो? देखो, तुम्हारी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैडम, मेरे पास एक आइडिया है ना। एक काम करते हैं, एग्जीबिशन में अगर कोई भी इस भजिए जैसी शक्ल को पहचान लेगा तो उसे हम पकौड़ा देंगे और बॉस चटनी दिखा दिखा के उसे क्लू देंगे। अपनी चोंच बंद रखो, कुंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी चाल समझ गई। जस्ट बिकॉज कि मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया, तुम मेरी पेंटिंग में नुक्स निकाल के मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। अनु, देखो तुम अब बात का बतंगड़ बना रही हो। बस और कुछ नहीं सुनना, मेरे किसी ने भी इतनी इंसल्ट नहीं की। अरे रे रे। डैड, यह है सिलेब कनेक्ट कंपनी, हम हमारा सारा स्टेशनरी और लोगो डिजाइन करने का काम इन्हें दे सकते हैं। अगर आप मंजूरी दे तो इन्हें 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। ठीक है, इतनी छोटी बात के लिए इनसे क्यों पूछ रहे हो? फैसला खुद ही ले लो और जाके ये डील साइन कर लो। सुनो, ये फालतू ज्ञान देके इसे बिगाड़ रहे हो क्या? अभी ये मालिक नहीं बना, इसलिए इसे फैसला करने का भी कोई हक नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास में रखो। अरे सर, अब ऐसी छोटी सी बात के लिए? इसे तुम छोटी बात कह रहे हो? घर का खाना भी सिर्फ मेरी पसंद से बनता है, दूसरों की पसंद के मुताबिक जीना मुझे कतई गंवारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना मेरे बागीचे का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, समझ गए? या कोई और तरीके से समझाऊं? हेलो, ओ हाँ ठीक है सर, मैं बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूँ। ओके। मन नहीं भरा इतनी सारी बेइज्जती करवा के? क्या कर रहे हो सर, दुनिया में एक ही पीस बची है क्या? सोशल मीडिया पे हजारों मिलेंगे ऐसी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और आप तो खोलते दूध में कूदने की बात कर रहे हो। हर बार उस खड़ूस से टकराते और कोई बकरा बन जाता है। तो इस बार कौन बनेगा बकरा? मुझे क्या पता। मैं तो लुट गया, पाई पाई जोड़ के जो इज्जत बनाई थी वो बीच चौराहे पे नीलाम हो रही है। मैं तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा।
लोगों के अपने कपड़े फटने प्यार में, मेरे तो दूसरे के चक्कर में फट गए। अगर यहाँ बकरी आ गई तो मेरी बची कुची इज्जत भी चबा जाएगी। मैंने नहीं सोचा था कि मॉडर्न जमाने में मैं आदि मानव बन जाऊंगा।